चैट जीपीटी क्या है और क्या ये सच में टक्कर देने वाला है, और गूगल चैट जीपीटी से निपटने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लाने वाला है, चलिए जानते हैं छोटे से वीडियो में। गाइस, चैट जीपीटी भी गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है जिसे 30 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जो कि लॉन्च होने के बाद से ही गूगल को लगातार करारी टक्कर दे रहा है। गाइस, जाने की बात ये है कि इसके पब्लिक होने के 5 दिन बाद ही इसके यूजर्स की संख्या 1 मिलियन से भी ज्यादा हो गई थी, जिसे देखने में लगता है कि शायद चैट जीपीटी आने वाले समय में गूगल को करारी टक्कर देने वाला है। गाइस, चैट जीपीटी पर आप गूगल की तरह ही कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको चैट जीपीटी पर बिल्कुल सटीक भाषा में दिया जाएगा। गाइस, यह गूगल से बेस्ट इसीलिए है क्योंकि जब आप चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं और आप सर्च करते हैं तो आपको चैट जीपीटी पर किसी भी साइट के लिंक देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं और आपको आपका जवाब बिल्कुल सटीक भाषा में मिल जाता है। और गाइस, इसका वीक पॉइंट ये है कि फिलहाल चैट जीपीटी इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है और बाकी किसी भी लैंग्वेज को फिलहाल चैट जीपीटी सपोर्ट नहीं करता है, और इससे जब आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो आपको उस सवाल का जवाब 2021 में लिखे गए आर्टिकलों के अनुसार ही दिया जाता है, क्योंकि गाइस चैट जीपीटी में 2021 तक का ही डाटा मौजूद है। लेकिन गाइस, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, कंपनी का बोलना है कि आने वाले समय में ये सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा और गूगल को करारी टक्कर देगा। लेकिन गाइस, गूगल भी कम नहीं है। गाइस, गूगल चैट जीपीटी के खिलाफ अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है, और गाइस गूगल पिछले काफी महीनों से AI चैट बोर्ड पर काम कर रहा था, जिसने अब अपने काम को और भी ज्यादा फास्ट कर दिया है। गाइस, गूगल का बोलना है कि जल्द ही हमारा AI चैट बोर्ड रिलीज होगा, पहले इसे कुछ लोगों तक सीमित रखा जाएगा, फिर उन सीमित लोगों से इसका फीडबैक लिया जाएगा, फिर इसे लोगों के लिए पब्लिक किया जाएगा। गाइस, गूगल का बोलना है कि हमारा AI चैट बोर्ड भी आपके सवालों का जवाब चैट जीपीटी की तरह ही देगा, और उससे भी काफी बेहतर जवाब आपको हमारे AI चैट बोर्ड पर दिया जाएगा। और गाइस, गूगल का बोलना है कि हमारा AI चैट बोर्ड सभी प्रकार की लैंग्वेजों को सपोर्ट करेगा और आप किसी भी लैंग्वेज को हमारे AI चैट बोर्ड में सर्च कर सकेंगे। और गाइस, गूगल में बोलना है कि हमारे AI चैट बोर्ड में केवल 2021 तक का ही डाटा नहीं होगा बल्कि लेटेस्ट डाटा होगा। और गाइस, गूगल केवल AI चैट बोर्ड पर ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि गाइस गूगल कई AI प्लेटफॉर्मों पर भी काम कर रहा है। और गाइस, हाल ही में गूगल ने अपने टेक्स्ट को म्यूजिक में चेंज करने वाले AI टूल से भी इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब कि गाइस गूगल को हराना चैट जीपीटी के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और शायद गाइस चैट जीपीटी गूगल को कभी हरा भी ना पाए। गाइस, इसके बारे में आपका क्या बोलना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें।